गुरुवार शाम पीएम मोदी ने राफेल को लेकर कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया, जिसके जवाब में अगले ही दिन राहुल गांधी एक नई चिट्ठी के साथ कैमरे के सामने आए और बीजेपी पर हमलों की बौछार कर दी। राहुल ने कहा, राफेल डील में पीएम मोदी सीधे तौर पर शामिल थे। निर्मला सीतारमन ने झूठ बोला, नरेंद्र मोदी ने स्वयं झूठ बोला, 1.5 घंटा मुझसे बातचीत की और अब सच निकलता है। सच्चाई क्या है कि वायुसेना डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं, और यहां उनका डॉक्यूमेंट है, कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है। दरअसल ये चिट्ठी पूर्व रक्षा सचिव मोहन कुमार की है, जो एक अंग्रेजी अखबार में लीक हो गई है। और इस चिट्ठी में पूर्व रक्षा सचिव के हवाले से कहा गया है, राफेल डील में पीएमओ के अफसर दखल दे रहे हैं। पीएमओ के अफसरों की दखल से मंत्रालय की पोजीशन कमजोर हो रही है। पीएमओ को इस वक्त डील में दखल नहीं देना चाहिए। पीएमओ चाहे तो सही वक्त पर डील में दखल दे सकता है। चिट्ठी सामने आने के बाद पूर्व सचिव मोहन कुमार का पक्ष भी आ गया। उन्होंने कहा, मंत्रालय का नोट केवल राफेल डील की गारंटी और सामान्य नियम शर्तों को लेकर था। जो कुछ भी अब मीडिया रिपोर्ट में आया है, इसका कीमत से कोई संबंध नहीं है। उधर राफेल का मामला एक बार फिर संसद में गूंजा। कल ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये लड़ाकू जहाज खरीदने के लिए रोक रही है, देशद्रोही है। अरे देशद्रोही तो ये है जिन्होंने रोका है, और रोक कर आप हमसे पूछ रहे हो, चोरी तो तुम कर रहे हो और उल्टा हम पे दब्बा लगा रहे हो। एक पत्रिका में अगर एक नोटिंग आता है, मेरे मन में तो लग रहा है कि एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म विल डिमांड, अगर उस नोट में बोल रहे हैं कि रक्षा मंत्री आप देख लो, और तब के रक्षा मंत्री देख करके उनके रिस्पॉन्स भी उसके नीचे ही लिख के सिग्नेचर किया है, उसको भी थोड़ा साथ प्रिंट करें। राहुल राफेल को लेकर मोदी सरकार पर लगातार वार कर रहे हैं। राहुल ने मान लिया है कि राफेल ही ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो 2019 में उनकी नैया पार लगा सकता है, और मोदी सरकार ने इस वार पर पलटवार करने में पूरी ताकत झोंक दी है।